लाल मिर्च की प्याज वाली चटनी। एक कढ़ाई में करीब 2 से 3 चम्मच तेल लेंगे और उसमें अगर आप चाहें तो 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच उड़द की दाल डालकर इसको थोड़ा हल्का सा सौते कर लेंगे। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और कुछ 15-20 कली लहसुन की। लहसुन की कली भी आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही डालेंगे मीठी नीम के कुछ पत्ते, जितने भी आपके पास अवेलेबल हो, करीब 20-25 पत्ते, और इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ चपाटा मिर्च या फिर जो भी आपके पास सूखी मिर्च हो आप वो ले लीजिए। थोड़ा सा कलर अच्छा है इसलिए हमने यहाँ चपाटा मिर्च ली है, और साथ ही लिए हमने यहाँ 4 प्याज। चपाटा मिर्च आप कम से कम 7 से 8 पीस तो लीजिएगा ही, इससे कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है। इन सब सामग्री को बहुत अच्छे से सेक लीजिए। अब मेरे पास यहाँ है चुकंदर ड्राई करा हुआ, तो मैंने 1 चम्मच करीब चुकंदर इसमें डाल दिया है। साथ ही डाली है सूखी पीसी हुई मेथी, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, और इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो चने और उड़द की दाल ना चाहें तो ना लें। अब यहाँ डालेंगे 1 से 2 चम्मच करीब नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ डालेंगे नींबू का रस, यदि आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज़ यहाँ अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं जो कि हम बाद में डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और एक जार में इसको पलटा लेंगे। हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 कप पानी, या फिर पानी आप इतना डालिए कि आपका जार में जो सामग्री है वो अच्छे से चल सके। इसको अच्छे से महीन पीस लेंगे। एक पैन में हम इसको खाली कर लेंगे और 3 से 4 चम्मच तेल, या अगर आप कम तेल खाते हैं तो 2 चम्मच के लगभग तेल इसमें डाल लेंगे, और इसको बहुत अच्छे से ड्राई होने तक, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे, सेक लेंगे। और बीच में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच करीब अमचूर पाउडर, ये भी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप जितना खट्टा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें अमचूर पाउडर डालिए। यहाँ ये चटनी एकदम सिक कर तैयार हो गई है। जब भी आपको चटनी खानी हो, थोड़ी सी ये चटनी आप एक कटोरी में लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला कीजिए, और फिर इसको आप किसी भी डिश के साथ में सर्व करिए। जैसे मैंने यहाँ प्याज वाला उत्पम बनाया है उसके साथ इसको सर्व करा है, और इसको आप स्टोर करके फ्रिज में काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। चुकंदर हमने यहाँ कलर के लिए डाला है, आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और लाइक तो आप करेंगे ही।